हेलो हेलो, यस सर, गुड आवाज आ रही मॉर्निंग है? सर। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है क्लियर? तुम यस सर, लोग किसी दूसरे का नाम भी लिख के ज्वाइन करते हो क्या? हेलो, यस सर। किसी दूसरे का भी नाम लिख के ज्वाइन करते हो? नो सर, कल एक फोन आया था मेरे स्टूडेंट का, मेरे पास कि सर मैं क्लास नहीं ज्वाइन किया हूँ, मेरे नाम से कोई ज्वाइन किया है। तो ठीक है, जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इम्पैक्ट करते हैं साइज रिडक्शन को? तो सबसे पहली चीज आती है मटेरियल का हार्डनेस। जो हार्डनेस होता है सरफेस प्रॉपर्टी। हार्डनेस इज ए सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ऑल्दो इट इज फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज विद द प्रॉपर्टी दैट कुड बी बेटर डिस्क्राइब एज स्ट्रेंथ। जब भी आप लोग क्लास अटेंड करो तो उसी टाइम अपना अटेंडेंस चैट पे डाल दो। क्या क्या जो स्ट्रेंथ होता और हार्डनेस क्या है? उसकी सरफेस प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो भी हमारा मटेरियल है, मटेरियल का सरफेस प्रॉपर्टी हार्डनेस होता है। इसको हम जनरली भाषा में लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं। स्ट्रेंथ क्या होता है कि स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। हार्डनेस एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है और ये कंफ्यूज जाते हैं स्ट्रेंथ से। हार्डनेस में जो सेकंड इसका स्केल आता है कि हम हार्डनेस को कैसे मेजर करते हैं, तो हार्डनेस हैज बीन डिवाइड नोन एज द मोह स्केल। जिस स्केल की हम बात करते हैं, जिस पे हम हार्डनेस कैलकुलेट किया जाता है कौन सा मटेरियल हार्ड है या सॉफ्ट है, उसके लिए जो स्केल है वो मोह स्केल होता है। और हमारा जो मोह स्केल है, मोह स्केल की नंबरिंग 1 to 10 होती है। जो सबसे सॉफ्ट है उसको 1, और जो सबसे हार्ड है, हम ग्रेफाइट या डायमंड को हम हार्ड कंसिडर करते हैं। फ्रॉम ग्रेफाइट टू डायमंड, इसी के बीच में जैसे ग्रेफाइट का हम 1 देते हैं और डायमंड है, डायमंड को सबसे हार्ड मटेरियल कंसीडर किया जाता है, उसको 10 देते हैं। किसी मटेरियल का मोह स्केल पे स्केलिंग अप टू 3 है, 1, 2 या 3 है, तो उसको हम सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं और उसको कैन बी मार्क एट फ्रेजाइल। मतलब बहुत से आप लोग कार्टन या बॉक्स पे देखते होंगे कि फ्रेजाइल मटेरियल। तो फ्रेजाइल मटेरियल क्या होता है? इजिली ब्रेक हो जाता है। 7 से ऊपर उसको हम कंसिडर करते हैं हार्ड, और 3 से 7 के बीच में इसको हम कंसिडर करते हैं इंटरमीडिएट। तो जो मटेरियल जितना हार्ड है उतना ही डिफिकल्ट होगा साइज रिडक्शन के लिए। हार्डर द मटेरियल द मोर डिफिकल्ट इज टू बी रिड्यूस इन साइज। सबसे पहले हार्डनेस में क्या क्या है? हार्डनेस सरफेस प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की सरफेस प्रॉपर्टी होती है। मोह स्केल होता है, मोह स्केल की स्केलिंग हम 1 to 10 करते हैं। 1 देते हैं ग्रेफाइट को और 10 देते हैं डायमंड को। अप टू 3 नोन एज फ्रेजाइल, एबव 7 हार्ड, और 3 to 7 इंटरमीडिएट। मटेरियल जो जितना ज्यादा हार्ड होगा उसका साइज रिडक्शन में उतनी ज्यादा डिफिकल्टी होगी। टफनेस, टफनेस
टफनेस क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज टफनेस? सर टफ मीन्स कठोर होता है, और हार्ड मीन्स? यहाँ पे दो फैक्टर हम अलग अलग लिख रहे हैं, हार्डनेस अलग लिख रहे हैं, टफनेस अलग लिख रहे हैं। टफनेस क्या होता है किसी मटेरियल का? सर कितना मजबूत है वो? सर टफनेस का मतलब वो कितना मजबूत है। अच्छा, टफनेस में। और हार्डनेस में क्या होता है? बताओ उत्तम, बोल तो रहे थे। तरुण? यस सर। अब हार्डनेस मैंने बताया, अब नेक्स्ट टॉपिक टर्म्स आया टफनेस। टफनेस क्या होता है? टफनेस मतलब सर कोई एडवर्स कंडीशन में हार्ट अपने तरीके खड़ा रह सके। एडवर्स कंडीशन में अपने तरीके से खड़ा रह सके, खड़ा रह सके, उसको टफनेस बोलते हैं। टफनेस मतलब सर कोई मतलब मटेरियल अगर है सर तो कितना मतलब सह सकता है, कितना रोक सकता है किसी। टफनेस है, हार्डनेस मतलब मजबूत कितना है। जो रबर है, अब अभी एग्जांपल एक ने इसी स्लाइड पे डाला है, अगर रबर का तुमको पार्टिकल साइज रिड्यूस करना है और ब्लैक बोर्ड चार्ट का, तो किसका एजी होगा पार्टिकल साइज रिडक्शन? सर ब्लैक बोर्ड चार्ट का इजी होगा, मतलब ब्लैक बोर्ड चार्ट का। हाँ। लेकिन ब्लैक बोर्ड चार्ट हार्ड है रबर से? ऐसे देखे उसका, हाँ सर फिजिकल देखे उसका तो वो हार्ड ही है। क्या रबर हार्ड है? रबर तो सॉफ्ट नहीं है। सर ब्लैक बोर्ड चार्ट। हाँ, तो ब्लैक बोर्ड चार्ट। हाँ, तो फिर वो कैसे इजी होगा? सब लोग डिफिनेशन देखो, हार्डनेस का डिफिनेशन क्या है, टफनेस का डिफिनेशन क्या है, ब्रिटिल क्या होता है। जो ये बर्ड्स आते हैं ना, फ्रिक्वेंटली यूज होंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में, और जब उस पार्टिकुलर वर्ड का मतलब नहीं समझ में आएगा तो फिर जब इसके पहला क्वेश्चन तो सही रहेगा कि हाँ ठीक है, इजी है ब्लैक बोर्ड चार रबर से। लेकिन क्यों, अगर हम हार्डनेस स्केल पे जाए तो हार्डनेस स्केल पे रबर सॉफ्ट है, ब्लैक बोर्ड मतलब इंटरमीडिएट है। ब्लैक बोर्ड चार क्या है इसमें? ब्लैक बोर्ड चाक है वो ब्रिटिल है, और जो रबर है रबर में सॉफ्ट है, ब्रिटिल नहीं है। जब ब्रिटिल होगा तभी वो साइड रिडक्शन इजिली होगा। अगर जब जैसे कोई लकड़ी का मटेरियल है, जैसे हमने स्टेम लिया किसी चीज का, तो वो फाइब्रस है, अगर उसमें फाइबर टाइप के हैं तब क्या करते हैं उसको हथौड़ी से कितना भी हम उसका पार्टिकल साइज रिडक्शन करना चाहे नहीं होगा, हमको वहां पे क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है। तो जो भी फैक्टर हैं साइज रिडक्शन के, क्या क्या फैक्टर इंपैक्ट करता है, तो हार्डनेस में हमको नहीं लगता किसी को डाउट है हार्डनेस में क्या क्या है। इसके बाद नेक्स्ट है टफनेस। हार्ड है और ब्रिटिल है, तो ये दोनों फैक्टर ऑप्टिमम कंडीशन में इंपैक्ट करते हैं।
टफनेस सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है फाइब्रस ड्रग में। फाइब्रस ड्रग का मतलब जो हम प्लांट ओरिजिन से जो अभी हम ड्रग्स लेते हैं, और प्लांट ओरिजिन में से अगर हम ड्रग लेते हैं तो सबसे ज्यादा उस पर जो इम्पैक्ट करता है वो करता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट सबको पता है, व्हाट इज मॉइस्चर कंटेंट? मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? हमने वर्ड यूज किया कि जब भी कोई मटेरियल टफ है हमको टफनेस में मिलने फाइब्रस ड्रग लेते हैं, फाइब्रस ड्रग में नेक्स्ट जाता है मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? व्हाट इज मॉइस्चर कंटेंट? नेक्स्ट टर्म है एवरनेस। एवरनेस क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ हार्ड मटेरियल पार्टिकुलरली दोज ऑफ मिनरल ओरिजिन। जो भी हमारे मिनरल ओरिजिन के मटेरियल होते हैं उसमें ही हमारा एवरनेस चेक करते हैं। ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग एब्रेसिव सब्सटेंस दैट फाइनल पाउडर में बी कंटेमिनेटेड विद मोर देन 0.1% ऑफ मेटल रॉन्ग फ्रॉम द ग्राइंडिंग मिल। ये मशीनरी यूज करते हैं एवरनेस में। हम मेनली जो मटेरियल होता है, जो हम मिनरल निकालते हैं, जो भी हमारे मिनरल ओरिजिन्स हैं उसके लिए ही हम कंसिडर करते हैं एवरनेस के लिए। स्टिकीनेस इज प्रॉपर्टी दैट काज द कंसिडरेबल डिफिकल्टी इन द साइज रिएक्शन फॉर मटेरियल मेनी एडियर टू ग्राइंडिंग सब्सटेंस। स्टिकीनेस में क्या रहता है कि जो हमारे गम है, रेजिन्स है, रेजिन्स की प्रॉपर्टी होती है वो स्टिक करते हैं मटेरियल। तो स्टिकनेस में क्या होगा कि जब हम ग्राइंडिंग करते हैं या उसकी मिलिंग करते हैं, साइड रिडक्शन करते हैं, जो भी हमारा सरफेस है सरफेस पे एडियर हो जाते हैं। जब इसका हम पास करते हैं किसी भी सीव से या स्क्रीन से, जब हम पास करते हैं तो सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो जो मेस है, मेस पे चिपक जाता है और उसको चोक कर देता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो गमी है या रेजिनियस मटेरियल होता है, तो इसमें मेन इशू क्या आता है, ये स्टिक करता है किसी भी सरफेस पे, स्टिक करने लगता है। तो स्टिक करने की वजह से उसमें साइज रिडक्शन में जितना ज्यादा स्टिकनेस मटेरियल होगा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी साइज रिडक्शन के लिए। तो बहुत बार क्या करते हैं कि जब हमें जो रेजिनस या गमी मटेरियल है उसका साइड रिएक्शन करना रहता है, तब इनर्ट सब्सटेंस उसमें ऐड कर देते हैं। इनर्ट सब्सटेंस ऐड करने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी स्टिकनेस की वो कम हो जाती है और हम इजिली साइड रिएक्शन कर सकते हैं। इसमें हम मेनली कैओलिन और सल्फर यूज करते हैं एडिशन के लिए। इसके बाद आता है सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। जब भी हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करते हैं साइज रिडक्शन के लिए, तो वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने से वहाँ पे हीट जनरेट होती है। तो बहुत से मटेरियल ऐसे हैं कि जिसका टेम्परेचर बढ़ने को सॉफ्ट हो जाते हैं, जैसे बैक्स, स्ट्रिक एसिड, सोडियम स्ट्रेट, बीच बैक्स, तानुआ बैक्स, जितने सारे चीजें हैं इसमें जब जैसे भी टेम्परेचर बढ़ता है इसमें सॉफ्ट हो जाते हैं मटेरियल। जब अगर इस टेम्परेचर से ऊपर हम पार्टिकल साइज रिडक्शन करते हैं तो मटेरियल सॉफ्ट हो जाता है और इजली साइज रिडक्शन नहीं होता है। तो
जिस मटेरियल का शाफ्टिंग टेम्परेचर जितना कम होगा वहां पे हम उसको ऐसे जो भी मिलिंग करते हैं तो मिलिंग करने के लिए हम उसके साथ कोई भी कूलिंग स्टेशन लगाते हैं, मटेरियल जब भी मिल हो उसका टेम्परेचर बढ़े ना। तो शाफ्टिंग टेम्परेचर किसमें होगा, बैक्सी सब्सटेंस में होगा, एग्जांपल ग्लिसरिक एसिड या जो भी ड्रग्स है जिसमें आयल या फैट कंटेंट है उसमें सबसे ज्यादा मेजर इंपैक्ट करता है शाफ्टिंग टेम्परेचर का। इसके मिलिंग के साथ हम कूलिंग मिल लगाते हैं, कूलिंग स्टेशन लगाते हैं, हीट एक्सचेंजर लगाते हैं या वाटर जैकेटेड स्टील के इक्विपमेंट लगाते हैं। उससे क्या होगा, उसमें इक्विपमेंट में लिक्विड नाइट्रोजन या चिल्ड वाटर उससे पास करते हैं जिसके वजह से मिल का टेम्परेचर बढ़ेगा। इतने पॉइंट में किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? किसी के पास कोई क्वेश्चन है अभी तक जो पढ़ाया गया है? जो पहले क्लास लेते थे हम लोग जूम पे और अभी के क्लास में एक अंतर है, तुम लोग बता दो। अभी के जूम क्लास रिकॉर्डिंग ऑन होगा, अगर मोबाइल पे देखोगे ना एक रेड कलर का डॉट yes, रेड कलर का डॉट बन के आता है, ठीक है? यस सर। वो रिकॉर्डिंग हम लोगों को इक्विटी भेज देना है। तो सर हम लोगों में भी रिकॉर्ड होता होगा? वो रिकॉर्डिंग हम लोगों के पास होगा, तुम्हारे पास वो रिकॉर्डिंग नहीं होगा। इसमें सर लिखता है मतलब रेड कलर का, रेड कलर का दिखता है और हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ आया समझ में तो हम लोग, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है मतलब हम तुम्हारा सब कुछ क्लियर है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है और हम लोग उठा के नेगेटिव भेज देंगे, सारे रिकॉर्डिंग है, सिलेबस खत्म हो गया। अटेंडेंस इसीलिए तुम लोग दिया जाता है कि तुम लोग का अटेंडेंस हो ही अटेंडेंस भेज दिया जाएगा, और बाद में जो प्रॉब्लम होगी तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत इजी लग रही है चीजें, अभी तुम लोगों को कुछ समझ तो आता नहीं है सामने वाला कौन से ऑब्जेक्टिव में कौन से कंडीशन में तुमको समझा रहा है। असाइनमेंट सबके मिले नहीं? कल लोगों ने बताया था कि आज भेज देंगे। सर भेज तो दिए हैं। कौन किसके कौन से मेल पे भेजे हो? आपके सर। कौन वाला मेल? मेरे पांच चार पांच मेल आए, एक प्रखर का है, एक बीआईपी, एक प्रेम चंद्रमा सर, prem5@bip.ac.in ये मेरा मेल आईडी है ऑफिशियल, prem5@bip.ac.in। सर उस पे नहीं जा रहा, मैंने किया था डिलीवर ही नहीं हुआ, तो आप वाले फिर से भेजा। सर सर मैंने आप वाले संडे को भेजा था ऑफिशियल पे प्रेम फाइव पे। बस बाकी का सबका आ जाता है, मेल आईडी बराबर डालते हो सब लोग? यस सर, उस पे मैंने कई किया गया था लेकिन नहीं जा रहा था कल, तो प्रेम सन्मान वाला जो उस पे किया। नहीं वो मेरा पर्सनल है, उससे काले से कोई मतलब नहीं है, मैं कंसीडर कर लेता हूं। तो कॉलेज वाला जो है ठीक है सर कर लीजिएगा, लेकिन उसी पे किए हैं। और ये सारी रिकॉर्डिंग होती है, तुम लोगों का अटेंडेंस सारी चीजें,
अब तुम लोगों का आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा कि हमको पता नहीं है, लोगों ने फोन करके बोला कि तुम लोग क्लास अटेंड कर लो, अटेंडेंस जाता है, सब लोगों की रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, जूम क्लास सबके रिकॉर्डिंग हो रही है। पहले क्या था कि चलो अटेंड हुए नहीं हुए अटेंडेंस भेज दिए, बहुत सी चीजें कंसीडर होती हैं। अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, फर्स्ट ईयर निकल गया, ऐसे लग रहा है कि 4 साल निकल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है चीजें। थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट आता है, कोई भी पूछो हम म्यूट रहेंगे, हमें अनम्यूट नहीं करना है, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कुछ भी पूछो तो सब जीरो है। ये कंपटीशन देने लायक नहीं हो, पूरे बैच की बात कर रहा हूं, किसी का बेसिक क्लियर नहीं हो रहा, किसी का जब ऊपर की चीजें नहीं समझ में आ रही तो बेसिक कहां से समझ में आए। बर्ड्स का मतलब पूछते तो वही नहीं पता है। मटेरियल स्ट्रक्चर, मटेरियल स्ट्रक्चर में हम मेनली लेते हैं होमोजेनियस मटेरियल के लिए। अगर हेट्रोजेनियस मटेरियल है, अगर डिफरेंट पार्टिकल साइज के मटेरियल है, डिफरेंट सेफ है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है पार्टिकल साइज रिडक्शन के लिए। अगर होमोजेनियस है, सेम साइज सेम स्ट्रक्चर के मटेरियल है, स्पेशल स्ट्रक्चर के मटेरियल है, तो उसका साइज रिडक्शन करना ईजी रहता है। अगर कोई फ्लैट लाइक मटेरियल है या वेजिटेबल ड्रग्स है, उसका सेलुलर स्ट्रक्चर सेम है, या लॉन्ग फाइब्रस पार्टिकल्स है, तो ये क्या रहता है कि अगर होमोजेनियस एक ही टाइप के हैं तो कोई भी चीज हमको इजी रहती है पार्टिकल साइज रिडक्शन के लिए। जहां हमारा हेट्रोजीनियस हो गया, हेट्रोजीनियस यहाँ पे हम सेलुलर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अगर सेलुलर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है तो पार्टिकल साइज रिडक्शन करना हमें प्रॉब्लम होगी। फ्लेक लाइट पार्टिकल्स है, स्प्लाइड्स है, तो वो डिफरेंट हमें जो भी हमारे प्रिंसिपल है मैकेनिज्म में साइड रिडक्शन, तो उसके बेसिस पे हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारा इम्पैक्ट ज्यादा इजी रहेगा या हमारा कटिंग ज्यादा इजी रहेगा। अगर हमारा कोई रबर जैसे मटेरियल है, रबर है, तो रबर के लिए हम कटिंग मिल कंसिडर करेंगे, हैमर मिल नहीं करेंगे। अगर हमारा कोई स्टोन को करना, अगर पार्टिकल साइज रिडक्शन, तो स्टोन के लिए हम हैमर मिल सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट 3-5% है, वेजिटेटिव है, शीट टाइप का मटेरियल है, तो उसके लिए हम कंप्रेशन मिलिंग कंसीडर करेंगे। तो ये सारे मटेरियल के ऊपर कंसीडर होता है कि कौन से टाइप का हमको मिल लेना है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, उसका हार्डनेस क्या है, उसका सॉफ्टनिंग टेम्परेचर क्या है, उसकी ब्रिटलनेस कितनी है, उस मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा है, इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए हमारा डिसाइड होता है कौन से मेथड से हमको साइज रिडक्शन करना है। इसके बाद आता है मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट का एग्जांपल बताओ, अगर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता है तो क्या होता है? सरिता? यस सर। मॉइस्चर कंटेंट कैसे इंपैक्ट करेगा साइज रिडक्शन को? सर किसी भी सब्सटेंस में अगर कोई मॉइस्चर कंटेंट करता है तो हो सकता है, मतलब हल्दी पीसी हो? हाँ। ग्राइंडर में पीसना होता है तो क्या करते हैं सर? उसकी टफनेस और हार्डनेस को सर वो इफेक्ट करता है मॉइस्चर कंटेंट। और अगर सिलबट्टे पे पीसना होता तो क्या करते हैं? दोनों में क्या अंतर है? जितने भी लड़कियां हैं इस क्वेश्चन का आंसर दें, सब लोगों ने मसाला पीसा है और सारे मसाले हमारे यूज एज द ड्रग्स, चाहे वो क्लो हो, चाहे वो सिनामन हो, चाहे फनेल हो। सर मॉइस्चर कंटेंट, सर हेलो, हाँ बोलो। मॉइस्चर कंटेंट सर किसी भी सब्सटेंस के सर मतलब टफनेस और हार्डनेस को सर अफेक्ट करता है। अच्छा, ज्यादा रहेगा तो सर टफनेस हार्डनेस कम हो जाती है। अगर हम हीरा को पानी में डाल दें तो उसका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा? सर हीरे की तो अलग बात है, मतलब
ग्रेफाइट को डाल दें। देखो जो हार्डनेस है, हार्डनेस की स्केलिंग क्या है, मो स्केल पे हम स्केलिंग करते हैं हार्डनेस के लिए। तो जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट को 1 देते हैं और डायमंड को 10 देते हैं, इसी के बीच में हम स्केलिंग करते हैं हार्डनेस के। तो सबसे कम जो हार्ड मटेरियल है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट को भी वाटर में डाल दे तो क्या इम्पैक्ट करेगा हार्डनेस को? मॉइस्चर उसके ब्रिटलनेस को इम्पैक्ट करता है, वो हार्डनेस को इम्पैक्ट नहीं करता है। हार्डनेस जो है हार्डनेस सरफेस प्रॉपर्टी है, और उसी मटेरियल का इम्पैक्ट करेगा जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। जो मटेरियल मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता है उस मटेरियल का हमारा मॉइस्चर कंटेंट नहीं इम्पैक्ट करेगा। पहली चीज होगी मटेरियल की, जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, अगर हमारा कोई चीज मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है तो जब हमारा अगर इम्पैक्ट का कंडीशन है जहाँ पे हम इम्पैक्ट मिलिंग करते हैं, अगर वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो इजिली नहीं होगा। बट हमारा जहाँ पे हम कंप्रेशन यूज करते हैं, कंप्रेशन विच एजिटेशन, तो वहाँ पे हमारा इजिली होता है। तो ये डिसाइड होता है कौन सा कितना मॉइस्चर कंटेंट है, कौन सा हमको मिलिंग प्रोसीजर फॉलो करना है। सिंपल सा बेसिक में एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर तो घर में सब लोग अगर मसाले का ही पार्टिसाइड रिडक्शन करते हैं, तो अगर उनको ग्राइंडर में करना है तो क्या करते हैं, बोलते हैं कि थोड़ा धूप दिखा दो। धूप दिखाने का मतलब क्या होता है, उसका मॉइस्चर कंटेंट और कम करना, और उसको ड्राई करके उसको हार्ड करते हैं, ठीक है। उसमें मॉइस्चर निकलेगा तो थोड़ा हार्डनेस उसकी बढ़ती है। यहाँ पे हार्डनेस क्या होता है, उसकी ब्रिटलनेस बढ़ती है। और अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है तो फाइब्रस है, तो फाइब्रस है तो जब फाइब्रस होगा तो उसकी ब्रिटलनेस कम हो जाएगी, तो इम्पैक्ट में कंडित वो नहीं करेगा। अगर तुमको लकड़ी का अगर पार्टिकल साइज रिडक्शन करना है, सिंपल सा हम एग्जाम्पल कोई किसी भी प्लांट का अगर लेते हैं, तो वहां पे क्या, अगर उसमें मॉइस्चर ज्यादा है और हम उसके ब्रिटल है तो हम हथौड़ी से मारेंगे तो नहीं टूटेगा। तो ये सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती है। यहाँ पे क्या होता है कि हम उसी मटेरियल की हार्डनेस की बात करेंगे, जो भी हमारे ग्राउंड ड्राई है या सब्जेक्ट, जो भी हमारे ग्राइंडिंग का मेथड है, और कौन सा हम मिलिंग यूज कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल है। जनरली हमारा लेस देन जो 5% मॉइस्चर होता है उसको हम ड्राई कंसीडर करते हैं। हाँ जय, पूछो क्या क्वेश्चन है। अजय मौर्य। यस सर। तुम्हारा है कोई क्वेश्चन है, तुम्हारा हैंड रेस्ट? नहीं सर, नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, मॉइस्चर कंटेंट कौन से मटेरियल पे इम्पैक्ट करेगा, वो हार्ड है या ब्रिटल है, उसकी टफनेस कितना है, वो वैक्सी मटेरियल तो नहीं है, उसका सॉफ्टनिंग टेम्परेचर पे इम्पैक्ट तो नहीं करेगा। इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए हमारा मॉइस्चर कंटेंट ही इम्पैक्ट करता है। तो जहां पे हमारा इम्पैक्ट कंडीशन में मिलिंग करना है तो वहां पे हमारा मटेरियल ड्राई होना चाहिए। जहां पे हमको कटिंग करना है वहां के लिए हमका उस ब्रिटल है, फाइब्रस मटेरियल है, प्लांट ओरिजिन का मटेरियल है, इन सारे चीजों को कंसिडर करते हुए हमारा ऑप्टिमम कंडीशन में हम मील सेलेक्ट करते हैं और साइड डिडक्शन करते हैं। अगर हमको रबर का साइड डिडक्शन करना है तो हम उसे कट करेंगे। जो हमारे गम है, गम इन द सेंस मान लो कि अकेसिया गम है, अकेसिया गम किसको बोलते हैं, जो बबुल से क्या बोलते हैं, प्लांट से जो रेजिंस निकलता है, उस गम का पार्टिकल साइज रिडक्स करना है तो हम उसको एकदम सॉफ्ट कर देते हैं, उसमें मॉइस्चर एकदम बिल्कुल उसको ड्राई कर देते हैं, उसमें से पूरा पानी निकल जाए, उसके बाद ही हम साइड रिडक्शन करते हैं। क्योंकि वो क्या है कि वो स्टिक मटेरियल है, स्टिक करने लगता है जब भी हम उसका मिलिंग करेंगे। तो इन सारी चीजों को कंसिडर करना पड़ता है कि कितने किस मटेरियल में हमको मॉइस्चर कंटेंट कितना रखना है।
किसी किसी मटेरियल में हमको मास्टर कंटेंट 50% तक करनी पड़ती है, किसी मटेरियल में 5% से कम करना पड़ता है, उसको बिल्कुल ड्राई करना पड़ता है। इन सारे चीजों को ही कंसिडर करना पड़ता है। जनरली जितने भी मटेरियल है लेस देन 5% मास्टर कंटेंट को ही हम कंसिडर करते हैं कि इजी है साइज रिडक्शन का। बट अगर प्लांट ओरिजिन के फाइब्रस मटेरियल है तो उस मटेरियल की डिफरेंट जो दूसरे प्रॉपर्टी है उसका फाइब्रस सेलुलर स्ट्रक्चर, उसका स्टिकनेस, उसका सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, वो चीजें ज्यादा इम्पैक्ट करता है रेदर देन मॉइस्चर कंटेंट। किसे कुछ पूछना अभी तक जो भी बताया हूं? प्योरिटी रिक्वायर्ड, प्योरिटी रिक्वायर्ड हमारा मेन यहाँ पे हम यूज करते हैं कि जो जिस मटेरियल का हम पार्टिकल साइज रिड्यूस कर रहे हैं उसको कितने वो एपीआई है, एक्सपीरियंस है, कौन से प्रोसेस में फर्दर यूज होना है और उसकी कितनी प्योरिटी नीडेड है। 100% प्योर चाहिए, उसकी डिग्री ऑफ प्योरिटी कितनी है, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस लेवल कितना है, किस क्वालिटी का हमको मटेरियल चाहिए, उसके बेसिस पे हमको सेलेक्ट करना है मिलिंग। साइड रिडक्शन का ऑपरेटर्स हमको सेलेक्ट करना है, क्रॉस कंटामिनेशन कहाँ से हो सकता है, उन सारी चीजों को हमको अवॉइड करना है। हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट के लिए जनरली फिर हम मिल करते हैं, हम एयर मिलिंग प्रिफर किया जाता है। जब हम प्योरिटी रिक्वायर्ड में आते हैं कि अगर हमने सपोज कि हमने कोई ऐसा मिल ले लिया, बाल मिल ले लिया एग्जांपल के लिए, तो बाल मिल में क्या होगा कि वहां पे रिस्क रहता है कंटामिनेशन का, या हैमर मिल ले लिया, क्योंकि हैमर के पार्ट्स जो अभी हैं उसको क्लीन करना डिफिकल्ट रहता है। तो जो मिल हम सेलेक्ट करेंगे उस मिल में ऐसा सेलेक्ट करना पड़ेगा कि उसके वजह से कंटामिनेशन का जो चांस है वो मिनिमम रहे। नेक्स्ट फैक्टर होता है रेशियो ऑफ फीड साइज टू प्रोडक्ट रेशियो। इसका मतलब होता है कि जो हमारा फीड मटेरियल है, जिस मटेरियल का हमको पार्टिकल साइज रिड्यूस करना है और फाइनल जो हमको प्रोडक्ट के साइज चाहिए, उन दोनों का रेशियो कितना है, उसके बेसिस पे हमको सेलेक्ट करना पड़ता है। ये नेक्स्ट फैक्टर होता है। अगर मान लो कि उत्तम आवाज आ रही है, आवाज आ रहा है सबके पास मेरे? हाँ सर आ रहा है। यस सर। तो जब हम सिंपल सा एग्जांपल लो, गेहूं सब लोग पिसाए हो, गेहूं ले जाते हो दे आते हो, तो क्या होता है उसमें? फीड साइज मान लो एक ही गेहूं है, फीड साइज फिक्स है। अगर जानवरों को खिलाना रहता है तो बोलते हैं कि इसको थोड़ा बड़ा दाना करना, दर्रा कर देना, तो फिर वो क्या करते हैं, जो अप्लाइड प्रेशर है यहाँ पे कंप्रेशन है उसके बीच का क्या करते हैं, गैप बढ़ा देते हैं। तो क्या हो गया, फीड साइज तो वही है बट प्रोडक्ट साइज क्या हो गया, हमारा बड़ा हो गया। तो जो रेशियो है रेशियो कम हो गया। अगर हमको फाइनल क्या बोलते हैं, मैदा बोलते हैं, मैदे में करना है तो मैदे में क्या होता है, पार्टी साइज और फाइन हो जाता है। अगर जनरली आटा करना है तो उसका मैदे से पार्टिकल साइज ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे हमारा जो फीड है, फीड सेम है बट हमारे पार्टिकल साइज डिफरेंट है। तो जो हमको पार्टिकल साइज चाहिए और जो फीड है, फीड का मतलब अगर 100 mm साइज का हमारा फीड है और हमको 10 mm साइज का हमको प्रोडक्ट चाहिए, तो फीड प्रोडक्ट साइज फीड का जो है और प्रोडक्ट रेशियो क्या हो गया, 10 का हो गया, 100/10। अगर 50 का कर दिए, 50 mm का हमको प्रोडक्ट साइज चाहिए और फीड साइज हमारा 100 mm है, तो दोनों का रेशियो क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये मेजर इम्पैक्ट करता है कि हमारा कितना पार्टिकल साइज रिड्यूस करना है, क्या रेशियो है फीड का और प्रोडक्ट साइज का। इसके बेसिस पे हमको कितना फाइनली प्रोडक्ट साइज चाहिए, इसके बेसिस पे हमारा हो सकता है कि एक ही मिलिंग में वो हमको डिजायर पार्टिकल साइज ना मिले,
वहां पे हमारा हो सकता है डिफरेंट मील यूज करे या ऐसा मील यूज करे जिसमें हमारे दो प्रिंसिपल या तीन प्रिंसिपल एक ही साथ वर्क करें, या पहले हम उसको प्रिलिमिनरी क्रशिंग कर ले, उसका एक बार साइज रिडक्शन कर ले, फिर उसके बाद दोबारा उसका साइज रिडक्शन करें। तो ये मेजर इम्पैक्ट करता है साइज रिडक्शन के लिए कि हमारा फीड साइज कितना है और प्रोडक्ट रेशियो कितना है। बल्क डेंसिटी, नाम सुने हो सब लोग बल्क डेंसिटी का? व्हाट इज बल्क डेंसिटी? बल्क डेंसिटी क्या होता है? नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने हो सर। क्या होता है? तो सर एक ये मतलब प्रॉपर्टी इतने की होती है जिसमें मतलब वॉल्यूम कंसीडर किया जाता है। और टैप डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी में वॉल्यूम कंडीशन कंसीडर किया जाता है। टैप डेंसिटी, TAPED, टैप डेंसिटी। टैप्ड? हाँ, टैप, TAPED। तो सर बल्क डेंसिटी को बल्क डेंसिटी को जब इंक्रीज करते हैं उस डेंसिटी को शायद टैप डेंसिटी बोलते हैं। बल्क डेंसिटी को बढ़ा देंगे तो टैप डेंसिटी हो जाएगा। तो सर टैप का नाम नहीं सुना, बल्क टर्म आया था सर वो पाउडर वाले चैप्टर में। हां पाउडर वाले। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है सर? एम इनटू वी। पहले डेंसिटी बताओ, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है सर? मास पर यूनिट वैल्यू उसे को बोलते हैं डेंसिटी, किसी भी प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट मतलब किसी भी पार्टिकल का, मैटर का। हाँ। और बल्क? बल्क सर वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी होती है। मान लीजिए अब किसी मतलब पाउडर चैप्टर में आया था एक टर्म, बाकी ऐसा नहीं आएगा। तो पाउडर में ही आएगा ना बल्क डेंसिटी, और कहीं नहीं आएगा। लिखा तो है सर स्क्रीन पर, कुछ देर है हम यहाँ पर डिफिनेशन नहीं लिखे हैं। मैं डिफिनेशन नहीं लिखा हूँ ना, क्योंकि वो दूसरा है। हाँ। हमको यहाँ डिफिनेशन नहीं बताना है क्योंकि सारे चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। मैं बल्क डेंसिटी का इम्पैक्ट बड़ा बताऊंगा साइज रिडक्शन पे क्या पड़ता है, लेकिन तुमको पहले ये चीज समझना पड़ेगा ना बल्क डेंसिटी क्या है। तो ये चीज नहीं समझ में आएगी, टाइम खत्म होने वाला है। अटेंडेंस सब लोग डाल दिए हो चैट में? सब लोग मैसेज में अपना अटेंडेंस डाल दिया करो, रोज बोलना ना पड़े, नहीं तो रिकॉर्डिंग में वही बचता है मैसेज। तो जो टर्म्स समझ में आना चाहिए वही टर्म्स हर जगह नहीं बताया जाएगा कि आज फिर फर्स्ट सेमेस्टर में बल्क डेंसिटी पढ़े हो तो फिर मैं आज बल्क डेंसिटी बताऊं। तो आप लोग एक बार बल्क डेंसिटी देख लेना, पाउडर की प्रॉपर्टी क्या होती है और जो साइज है पाउडर के, ऑफिशियल पाउडर के क्या क्या साइज होते हैं। कुछ है फाइन, वेरी फाइन, कोर्स पार्टिकल, कुछ पढ़े होगे ना पाउडर वाले चैप्टर में?